Hello students, welcome you all in the online classes. Okay, today we will try to understand how to solve the problems like gap filling. This part is very important for both the class 9th and 10th, because such kind of the question always comes in your question paper in the subject English. You already know. इसमें होता क्या है? सबसे पहले जैसा कि ये वर्ड दिया हुआ है गैप, आप यहां देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बीच में गैप हो गया. अब क्या करना है? फीलिंग करनी है. यू नीड टू फील. एंड फ्रॉम वेयर? व्हाट टू फील? देयर आर फोर ऑप्शंस फॉर वन गैप by using the concept of the grammar from article to the interjection, each and every part, whatever the knowledge you have already gained or you will gain, you need to apply what should be the best, and you should choose the option from these four MCQs and fill it. This is called gap filling. I have given you the passage of only the three lines, but this passage can be of 4 lines, 5 lines, 10 lines, 15 lines, according to the class. Mostly in the board examination or in the class 9 papers which used to come from the CBSE, right now it is the home examination, so there were mostly 6 or 7 lines, because in the question paper when it will be printed it will take a long passage. Okay, that's why I have just taken a very small passage to clear the concept how to do the gap filling. So I am going to read the passage. Let's see. Isme aise hi diya hai. Sentence shuru hota hai. A few days later, Munshi Premchand resigned from A. A is A. After the A, there is a gap. Option A has 4 option. Okay, first its, second the, third a, fourth his. तो मैं जब तक पैसेज पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है. तो क्या था? A few days later, मुंशी प्रेमचंद resigned from dot 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 job of inspector of schools. Job of inspector of schools. Now the B, gap, gap, gap. B, you have the 4 option: before, without, after, for. Then, having worked in, again C, third option, dot, dot, dot. In C, आपके पास option होगा his, is, their, the. फिर उसके बाद sentence क्या है? Department for 10 years. He was one of the. He was one of the D. फिर उसके बाद much, more, most, moreover, important story writers. अब मैं इसको पूरी तरीके से ऐसे पढ़ रहा हूँ. A few days later, Munshi Premchand resigned from dot 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 job of inspector of schools dot 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 having worked in dot 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 department for 10 years. He was one of the dot 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 important story writers. चलिए अब इसको करते हैं. जब हम इसको करते हैं तो क्या होगा? पहला है ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद मुंशी प्रेमचंद रिजाइन. मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया. रिजाइन कर दिया फ्रॉम, कहां से रिजाइन कर दिया? फ्रॉम क्या लगता है? इट्स नहीं, वो नॉन लिविंग नहीं है. द, कोई पोस्ट का नाम तो आया नहीं है. ए नहीं है. क्या रिजाइन किया? हिज जॉब. हिज जॉब, आप यहां क्या भर दोगे? हिज जॉब, अपने नौकरी से जो वो करते थे. कौन सा जॉब था? ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स. स्कूलों के क्या थे? निरीक्षक थे. इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स. ओके, फिर बी में क्या कहता है? हैविंग वर्क इन. ठीक है, क्या है भैया? हो गया. यहां पे क्या है? क्या, कब रिजाइन दिया? कब रिजाइन दिया उन्होंने?
तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे देखिए, काम करने के पहले ही रिजाइन कर दिया, काम करने के बिना रिजाइन कर दिया, या काम करने के बाद रिजाइन किया, दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो यहां पे क्या भरेंगे, आफ्टर हैविंग वर्कड इन, आफ्टर हैविंग वर्कड इन, किसमें, काम करने के बाद, किसमें काम करने के बाद, इन कहां, सी, सी में ऑप्शन देखिए, हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद इन इज डिपार्टमेंट, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद इन देयर, नहीं, कई डिपार्टमेंट में तो थे नहीं, वो प्लूरल बन रहा है, तो यहां पे मोस्ट सुटेबल क्या आ जाएगा, इन द, इन द डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था जिसमें वो काम करते थे, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट फॉर 10 इयर्स, 10 साल तक इसमें उन्होंने काम किया था। ही वॉज वन ऑफ द, अब यहां पे द यूज हो गया है, तो द सोच व्हाट द सुपरलेटिव डिग्री आफ्टर इट यू नीड टू यूज, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, ही वॉज वन ऑफ द। अब देखिए द के बाद मच इज नॉट, मोर इज नॉट, ये कंपैरेटिव, अब यहां पे द के बाद क्या लगा सकते हैं, मोस्ट इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है, यहां पे देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी राइटर, वो क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी राइटरों में से एक थे। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो क्या होता है, पूरा का पूरा कैसे सॉल्व हो जाता है, अब हम देख लेंगे कि सही है कि नहीं। ए फ्यू डेज लेटर, एक कुछ दिनों के बाद मुंशी प्रेमचंद रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, कौन सी नौकरी थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। फिर आफ्टर हैविंग वर्क इन, आफ्टर काम करने के बाद, इन द डिपार्टमेंट, इन द डिपार्टमेंट, उस विभाग में फॉर 10 इयर्स, 10 साल तक, कब रिजाइन किया, 10 साल तक उस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद, फिर ही वॉज वन ऑफ द लगेगा, द लगा, सॉरी द तो भाई है, यहां पे आपको मोस्ट, बी के ऑप्शन में मोस्ट ले आना होगा, क्योंकि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगती है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज केयरफुली, इट नॉट ओनली चेक्स योर कॉमन सेंस अबाउट द प्रॉपर वर्ड्स, एंड प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम वेयर इट मे कम, इट मे कम फ्रॉम आर्टिकल्स, इट मे कम फ्रॉम noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, interjection, whatever it may be. So read it at least 2 to 3 times. Patiently, don't panic, don't hurry. Read it patiently at least 2 or 3 times. Then try to find out and pick the answer from it and set it in the option. Or फिर आपको कोई ऑप्शन सही लगता है तो उसको वहां पर रखिए और उस सेंटेंस को एक बार पढ़िए और देखिए कि क्या वो सेंटेंस प्रॉपरली मीनिंग देता है, अगर नहीं देता है। इंग्लिश इज ओनली द लैंग्वेज, व्हेनेवर यू कमिट मिस्टेक्स देयर इज अ इनर फीलिंग्स कम्स इन दैट नो इट इज रॉन्ग। हो सकता है कि आपको जो है सही जवाब ना आता हो, बट ये इनर थॉट्स जरूर आ जाते हैं कि इट इज रॉन्ग। तो थोड़ा सा रुक के इफ यू जस्ट रीड इट 2 or 3 times डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। एंड फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ द गैप फिलिंग और एडिटिंग और एनी काइंड ऑफ द दैट आई विल गिव यू द सैंपल एंड द प्रैक्टिस हाउ टू डू इट, आपको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया हो। तो आगे की वीडियोस आप पाने के लिए थ्रू द नोटिफिकेशन आप प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ और भी चाहिए वीडियो के रूप में, तो हम आपको दे सकते हैं, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।